मेरा मसाज करेगा, मेरा हाथ दबाएगा, मेरा पैर दबाएगा, मेरा सर दबाएगा, बहुत दुख रहा है बहुत। दोस्तों ये है शबनम शेख जो कि आजकल पैदल यात्रा पे निकली हुई है भगवान श्री राम के लिए, जो कि जगह जगह ये बोलती नजर आ रही है कि मैं नारी शक्ति हूँ, मैं माँ दुर्गा हूँ, मैं माँ लक्ष्मी हूँ। हमारी देवियों का नाम लेकर और खुद को नारी शक्ति बोलकर जिस तरीके से ये हमारी हिंदू महिलाओं को पागल बना रही है और प्रभु राम के नाम का सहारा लेकर जिस तरीके से ये लाखों हिंदुओं को पागल बना रही है, इनके बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बात हर एक हिंदू को पता होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के नाम पर जिस तरीके से ये लोगों को पागल बनाकर अपना बैंक बैलेंस और फेमस होने का एजेंडा चला रही है, इनके बारे में आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। नहीं तो आने वाले वक्त पर हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग निकलकर बाहर आएंगे जो कि भगवान श्री राम का सहारा लेकर अपना घर चलाने का काम करेंगे। जी हाँ, शबनम शेख मुंबई के विरार की रहने वाली हैं और अगर इनके साथ जिस लड़के को आपने देखा है उसका नाम है ईश्वर शर्मा, जो कि आज से कुछ साल पहले इनको सोशल मीडिया पे मिला। शबनम शेख सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहती थी, तब इनको ईश्वर शर्मा मिलते हैं। ईश्वर शर्मा इनसे बात करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी वीडियो को शूट करूंगा, एडिट करूंगा। तब शबनम शेख अपने घर वालों को बोलती है कि मेरा एक दोस्त है जो कि दिल्ली से मुंबई आना चाहता है। इनकी माँ बोलती है कि वो रहेगा कहाँ, तो ये बोलती है कि वो होटल में रह लेगा। लेकिन ये होटल में न रुक के इनके घर में रुकना शुरू करते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं इनके परिवार वालों से मिलते हैं और उसके बाद इन दोनों की मुलाकात होती है, जहाँ पर वो इनकी वीडियो शूट करते हैं और एडिट करते हैं। और कहीं ना कहीं ईश्वर अपनी बातों से इनकी माँ के दिल में अपने लिए जगह बना लेता है। उसके बाद ईश्वर वापस दिल्ली जाते हैं और कुछ दिन के बाद फिर से लौटते हैं। उसके बाद पता लगता है कि शबनम शेख एक अलग फ्लैट में रहती हैं जहाँ पर ईश्वर शर्मा भी रहता है और ये लोग बिना शादी किए एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, जिसको भारत में लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। ईश्वर शर्मा और ये दोनों चाहते थे कि हम सोशल मीडिया पे वीडियो बनाएं और यहाँ से ज्यादा ज्यादा पैसा कमाएं। जिस तरीके से बिना शादी के ईश्वर शर्मा के ये साथ रहने लगी और सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए जिस तरीके से लोग हिंदू और मुस्लिम लड़की के साथ शादी करके एक साथ रहते हैं या फिर लविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा एजेंडा बन जाता है। वो कहीं ना कहीं दो तरह के ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन शबनम शेख जब भी इनके साथ बाहर घूमने जाती है तो वो पूरे तरीके से मॉडर्न बनकर घूमती है, लेकिन जब भी सोशल मीडिया पे उनको कोई टॉपिक उठाना होता है तो वो हिजाब पहन लेती है। और अब इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे भगवान श्री राम का सहारा लेकर अपनी इस यात्रा को शुरू किया है। तो जानती है कि आने वाली 22 तारीख को राम मंदिर सबके लिए खुलने वाला है और कहीं ना कहीं राम मंदिर का टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है। ईश्वर शर्मा के साथ पिछले काफी दिनों से ये नहीं रह रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिसके साथ ये लिविंग रिलेशन में रह रही थी आखिर वो अब कहां है, और जिन दो लड़कों को ये अपना दोस्त बोल रही है आखिर ये कौन है जो कि इनके साथ भगवान श्री राम की यात्रा कर रहे हैं। जी हां, शबनम शेख ने जिस तरीके से कहा कि मेरे को 5 लड़कों ने आके होटल में परेशान किया, मेरे को हरासमेंट दी, इन्होंने उसकी FIR क्यों नहीं करवाई, ये भी कहीं ना कहीं एक प्लान था। जी हां, शबनम शेख जिस तरीके से फैन फॉलोइंग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे थी, उनको पता था कि अगर मैं ऐसा कुछ बोलूंगी तो मेरे को जरूर पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी और कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो जाऊंगी, और आखिर हुआ भी वैसा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी वीडियो में बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, फोन पे गूगल पे को मेंशन किया हुआ है, कहीं ना कहीं ये पैसा कमाना चाहती हैं। लेकिन जिस तरीके से आज इन्होंने हेल नाम की इस ड्रिंक को प्रमोट किया ये बहुत गलत है। जी हाँ, जिस तरीके से हम जानते हैं कि एनर्जी ड्रिंक हमारे बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती है, और ये उसी वीडियो में ये बोलती नजर आ रही है कि सुबह सुबह मैंने खाली पेट चाय पी, उसके बाद मेरे को एनर्जी चाहिए थी तो मैं हेल पी रही हूँ। और हम हेल्प पी रहे अभी क्योंकि सुबह सुबह निकले, नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय पिया था। लोकल भी मिलेगा ना, हम लोकल में भी कुछ ना कुछ खा लेंगे, थोड़ा सा दोपहर हो जाएगा, एनर्जी नहीं बचेगी। बाकी जब तक ये हेल्प से हम एनर्जी ला रहे हैं। हेल का मतलब क्या होता है? हेल का मतलब होता है नरक। और जिस तरीके से मुंबई से अयोध्या भगवान श्री राम के लिए पैदल यात्रा कर रही हैं, इनको ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इनकी वीडियोस को देखेंगे और जिस तरीके से ये हेल को प्रमोट कर रही हैं लोग भी खरीद के पिएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी एक विदेशी कंपनी है, और अगर आपको इनडायरेक्ट वे में कुछ प्रमोट करना है तो आप हमारे देश के बनी हुई चीजों को प्रमोट करें, ये नहीं कि आप विदेशी प्रोडक्ट को भगवान श्री राम की यात्रा में इस्तेमाल करें। और अगर हम बात करें इनके दोस्तों की तो वो कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रिंग का प्रमोशन करते नजर आते हैं कि ये देखिए हम स्ट्रिंग पी रहे हैं, एनर्जी आएगी, इससे हमारे युवाओं के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, हमारे घरों में जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये जिस तरीके से भगवान श्री राम के नाम का सहारा लेकर यात्रा कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह की फेक यात्रा है। जिस तरीके से पिछले 9 दिनों पहले इन्होंने अपनी यात्रा को शुरू करा और बीच में 50 से 60 किलोमीटर यात्रा को इन्होंने पुलिस की गाड़ी में बैठ कर कंप्लीट करा। इनका बोलना है कि पुलिस वालों ने कहा कि ये रास्ता बहुत खराब है, यहां से पैदल निकलना बहुत मुश्किल होगा, तो इसीलिए आप गाड़ी में बैठ जाइए और हम आपको इस रास्ते से आगे निकाल देते हैं। ये वहां पर रुक सकती थी किसी मंदिर में या किसी हिंदू परिवार में, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जी हाँ, जिस तरीके से ये आज की वीडियो में मंदिर में बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि देखिए हम हिंदू मंदिर में बैठे हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये चीज वो 2 दिन पहले भी कर सकती थी लेकिन इन्होंने नहीं किया। और जिस तरीके से ये अपने इंटरव्यू में बोलती हैं कि मैं नारी शक्ति हूं, मैं माँ दुर्गा हूं, मैं माँ लक्ष्मी हूं, तो इनसे ये अनुरोध है कि प्लीज ऐसा ना बोलें, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इन्होंने पहले गंद मचा रखा है वो कहीं ना कहीं लोग आज नहीं तो कल जरूर देखेंगे। और जिस दिन सोशल मीडिया पे इनका भांडा फोड़ हुआ उस दिन इनको भी आसमान से जमीन पे लोग उठा के पटक देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे
लोग वही करते हैं कि जिस तरीके से कोई भी ट्रेंड में चलता है लोग उसको उठाकर ऊपर बैठा देते हैं, और जैसे ही उसकी सच्चाई का भंडाफोड़ होता है उसको जमीन पे आना ही है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि भगवान श्री राम का सहारा लेकर अपनी वीडियो बनाते थे और लाखों बच्चों के पैसों को हड़प के बैठे थे, और वो कहीं ना कहीं आज उनका भंडाफोड़ हो चुका है। मैं आप सभी हिंदुओं से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इनसे ये पूछें कि वो ईश्वर शर्मा कहां है जो कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहता था, और अगर आप अपने आप को नारी शक्ति बोलती हैं तो आप लिविंग रिलेशनशिप में बिना शादी के हुए कैसे रह रही थी, और अगर आप सच में राम यात्रा कर रही हैं तो आपने अपनी वीडियो में गूगल पे, फोन पे और बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन क्यों डाली हुई है, और आप सरकार से बार बार ये क्यों कह रही हैं कि हमारी मदद करें, हमको एक गाड़ी दें ताकि जो भी लोग हमको गिफ्ट दे रहे हैं वो सब कुछ उसमें हम रखते रहें और मुंबई अपने घर वापस लेके जाएं। आपकी नजर में क्या ये राम यात्रा है? वो राम यात्रा कम कर रही है, फेमस हो रही है, जगह जगह इंटरव्यू दे रही है, जगह जगह ये कह रही है कि मैं नारी शक्ति हूं, और आज तक कुछ दिन पहले जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये मुंबई में घूमती हूँ इनको ये कहती है कि घर चल के मेरी मसाज करना, मेरे पैर दबाना। ये वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्यों हटा दी? वो जानती थी कि कहीं ना कहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर आएगा तो वो कहीं ना कहीं उनका भंडाफोड़ होगा, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि भगवान श्री राम का सहारा लेके जिस तरीके से लोग ऐसे एजेंडा चला रहे हैं उनका भंडाफोड़ हो, और वो कहीं ना कहीं हमारे भगवानों को और हमारी देवियों को ऐसा बदनाम ना करें। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दो।